मेरा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, आज मैं बात करूंगा एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। ये नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें मैं एक इजी डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, एजुकेशन एनवायरमेंट के लिए ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। यानी कि अगर कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसका एनवायरमेंट क्या है उस पर स्टडी करना, एनवायरमेंट को देखते हुए, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। एक इजी सी डेफिनेशन मैंने आपको इसमें बताई है। जो B.F. स्किनर है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका क्या मानना था, उनका भी सेम मानना था कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ये पार्ट है साइकोलॉजी का ही। इट्स अ स्टडी ऑफ लर्न एंड टीचिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सीखना और सिखाना। इस एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है स्टडी करता है, वो सीखता भी है और सिखाता भी है। इसी के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट थॉर्नडाइक क्या थे, फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं जो वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं थॉर्नडाइक। अब सेकेंड जो रूसो है, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना क्या था, जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने सबसे ज्यादा मेजर जो पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर क्या थे, वो इंटरेस्ट कैपेबिलिटी सिचुएशन। कि अगर कोई टीचर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, किस आधार पर उसको एनवायरमेंट यानी कि इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स का, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है, उस समय का एनवायरमेंट क्या है, उसके आधार पर उनको एक स्टडी उनको पढ़ाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को इसके आधार पर। तो इन्होंने इस पे ज्यादा फोकस करा था, जो मेजर पॉइंट्स है जो आज भी इनका यूज किया जाता है, जो रूसो ने ये मेजर पॉइंट्स निकाले थे। तो अभी जो नेक्स्ट आपको समझ में आ चुकी होगी इसकी डेफिनेशन एजुकेशन साइकोलॉजी की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।